हेलो जी, कैसे हो? ये फिट एंड फाइन हूँ। एंड सुबह हो चुकी है और मैं सुबह उठ भी चुका हूँ। सामने निकल चुका है सूर्य और मैं आ गया था खेत पर और यहीं करूँगा अभी खेत पर काम। और बाकी इधर पीछे चल रही है गन्ना और इधर खड़ी हुई अपनी साइकिल, आके आपके लिए दिखाता रहूँगा। हमने अपनी साइकिल खड़ी हुई है, ऊपर भी लाया, करूँगा मैं सिलाई, आनंद भी आता रहेगा। चल अभी खेत से आ चुके हैं, स्नान करना स्टार्ट। क्योंकि मस्ती से दौड़ रहा है बंस पर छू दीदी पतासे जहे बुलायो ते पोपी लाले आ टुलो दी फिरे मत के कथा खेत पर घूमने के लिए और भाई चलते हैं गन्ना खाकर आते हैं। फिलहाल खेत पे आ चुके हैं, साइकिल खड़ी और मगी साथ में मेरे दोस्त भी आए हुए हैं और उनकी साइकिल वो खड़ी है बिना केरियल की। तो फिलहाल अभी तोड़ चुके हैं। एंड गाइस इधर का व्यू चेक करिए, इधर सनसेट हो रहा है और इधर तालाब, इधर सनसेट तालाब, बीच में रास्ता और बाकी दो पेड़। हूँ मैं छत पर और आपके लिए दिखाता हूँ छत के चारों ओर का व्यू। तो ये रहा छत के चारों ओर का व्यू। कि मैंने तो ट्रैक्टर चला लिया है, उधर जूता पड़ा हुआ है। जूत रहे हैं और हम जा रहे हैं घर पे। फिलहाल करते हैं पढ़ाई को कंटिन्यू। प्लावन बल की वजह से ही क्या होता है, वस्तु हमेशा पानी के अंदर हमें आंशिक रूप से हल्की महसूस होती है। बेटा क्या होता है, आंशिक रूप से हल्की महसूस होती है। तो मैं यहाँ पर, ये है अपनी कुर्सी और मैं यहाँ पर बैठकर हूँ पढ़ाई। और बाकी ये टार्च है, इधर अपनी थोड़ी बहुत सामान रखा हुआ और ये सील्ड जो मुझे मिली थी नाम में, बाकी कलम और ऊपर जो बुक्स पड़ी हुई है। आप इधर से दूर का नज़ारा देखिए। गुड मॉर्निंग गाइस, तो फिलहाल सुबह हो चुकी है और मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ पर पढ़ाई। मेरे अभी एग्ज़ाम आज है हिंदी का, तो मुझे अब स्टडी करना पड़ेगा। और बाकी ये रही अरे की कुछ बुक्स, तो मैं अभी यहाँ पर कर रहा हूँ स्टडी और अब जाएंगे, उसके बाद जाएंगे स्कूल और फिर स्कूल से आएंगे, उसके बाद हम मिलते हैं आपके लिए। और अब इस ब्लॉग को करता हूँ एंड। आई होप आपके ये ब्लॉग पसंद आया हो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।